हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे राइजिंग गार्डन में। सुंदर सा ये कैलेंडुला का फूल। दोस्तों, आज वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको किस किस प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए। आप कौन से प्लांट के केयर के बारे में जानना चाहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। तो मतलब किस किस प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं, जितना कि मैं जानती हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी उसके केयर के बारे में और आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी मुझे बताइएगा। ये देखिए हमारा एस्टर का प्लांट है ये, और अभी इस पर ब्लूमिंग हुई नहीं है, बस ये कलियां आई हुई हैं। तो कलर के बारे में अभी पता नहीं है कि कौन सा कलर है। दो चार दिन में जब फूल खिलेंगे तो कलर के बारे में पता चल ही जाएगा। ये विंटर्स के फ्लावर हैं हमारे, अप्रैल और लास्ट तक तो चलता ही है इसमें फ्लावरिंग। ये देखिए हमारा डैंथस पिटूनिया, दो कलर के डैंथस हैं इस एक ही बास्केट में मैंने लगाया हुआ था, और दो पिटूनिया भी लगाया हुआ है। पिटूनिया में भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं इस बास्केट में, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं इनके बीज लगाने में। ये देखिए इस बास्केट में फूल आने शुरू हो गए हैं। सर्दियों का गार्डन और पिटूनिया नहीं हो, अधूरा सा लगता है। ये बास्केट जब फूलों से भरेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं। इसमें हमारे पेंजी भी लगे हुए हैं। एक कलर का कैलेंडुला ये भी है, थोड़ा ऑरेंज कलर है ये, ये भी खिलता है तो आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाह रही थी कि एक दो दिन में मैं वीडियो डालूंगी कि इस टाइम पे आप गर्मियों के लिए कौन सा प्लांट आप ला के लगा सकते हैं नर्सरी से, कि पूरी गर्मी आपके गार्डन में मतलब फूलों से भरा रहे और आप अच्छे फूल पा सकें। और एक फर्टिलाइज़र भी लिक्विड में शेयर करने वाली हूँ, जो अपने फ्लावर्स प्लांट में मैं अभी दे रही हूँ। ये देखिए मेरा कोई बहुत बड़ा गार्डन नहीं है दोस्तों, मैं ओवरव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मैं थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहती हूँ, बताइएगा। बहुत से कमेंट्स आए हैं दोस्तों, तो आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या सेटअप किया अपने गार्डन का। बस कुछ तैयारी चल रही है, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बताया है। और ये पक्षियों की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि आप किस प्लांट्स के केयर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ अपना अनुभव, जितना मैं जानती हूँ उतना आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मेरे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, राइजिंग गार्डन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।